हेलो फ्रेंड्स, ट्यूलिप्स टिप्स फॉर यू में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपना दूसरा प्लांटर दिखा रही हूँ। जैसे कि पिछले प्लांटर में मैंने बताया था, डक प्लांटर जो मैं बाई करके लाई थी, उसके साथ में 3-4 प्लांटर और भी लेके आई थी। और डक प्लांटर का वीडियो अगर आपको देखना हो तो मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखिए, मैं उसका लिंक इस पर डाल दूँगी। और ये मेरा अनदर फ्रॉग प्लांटर है जो कि मुझे 100 रुपीज़ का पड़ा है और यहीं सीकर से ही मैंने ये बाई किया है। ये देखिए, विदाउट पेंट किए हुए मुझे 100 रुपीज़ का पड़ा है। पेंट मैंने घर ला के इस पर किया है। ये जिसमें आगे फ्रॉग लगा हुआ है बड़ा सा क्यूट सा, और पीछे ब्यूटीफुल सा ये प्लांटर है जिसको मैंने येलो कलर से पेंट किया है। और आगे जो फ्रॉग है उसको ग्रीन कलर दे करके मैंने इसमें येलो कलर की डॉट्स बनाने की कोशिश की है। और जो इसके गले में है, ये मुझे पहले ऐसे लगा कि ये टाई हो सकती है फ्रॉग की, लेकिन टाई जैसा इसका लुक मुझे लगा नहीं, इसलिए मैंने इसमें ब्लैक कलर किया है। माउथ में रेड कलर करके और पूरा इसको फ्रॉग का लुक देने की कोशिश की है। अगर फिर भी फ्रेंड आपको लगता है कि इसमें कुछ और कलर ऐड होना चाहिए ताकि मेरे गार्डन की जो ब्यूटी है वो और भी बरकरार रहे और भी अच्छी हो जाए, तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइएगा कि मैं इसमें और कौन सा कलर ऐड कर सकती हूँ या चेंज कर सकती हूँ जिससे मेरा जो प्लांटर है वो ब्यूटीफुल लगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें अभी मेरे पास कोई और अच्छा प्लांट लाया हुआ नहीं था, तो मैंने इसमें साइकस लगाया है ताकि साइकस थोड़ा ऊंचा रहेगा तो मेरा जो प्लांट है वो पूरा दिखेगा। अगर इसमें कुछ नीचे पत्तियों वाले घने वो जो प्लांट आते हैं जो काफ़ी भरे भरे से रहते हैं, अगर वो लगाएंगे तो अपने प्लांटर की जो ब्यूटी है वो छुप जाएगी। इसलिए फ्रेंड्स, इस तरह के जो भी प्लांटर आप बाई करके लाएं उसमें आप ऊंचे, थोड़े से ऊंचे हो और ज़्यादा हाइट भी नहीं हो, उस टाइप के प्लांट लगाइए ताकि आपकी जो प्लांटर की ब्यूटी है वो दिख सके। और फ्रेंड्स, वैसे भी अगर आप गार्डनिंग के शौकीन हैं, काफ़ी सारे अगर आपने प्लांट्स लगा रखे हैं, तो फिर अपना गार्डन जो है एनिमल्स के प्लांटर या बर्ड्स के प्लांटर के बिना थोड़ा अधूरा सा रहता है। तो इस तरीके से हम अगर 4-5 इस तरीके के प्लांटर लेके आए और अपने गार्डन में जगह जगह इनको रख दें तो इससे अपना गार्डन जो है बहुत खूबसूरत लगेगा और अपने गार्डन जो है अट्रैक्टिव भी लगेगा इससे। फ्रेंड्स, इस तरह के जो प्लांटर हैं उनको हम अपने लिविंग रूम में रख सकते हैं, स्टेयर केस में रख सकते हैं, किचन में, बालकनी में, कहीं भी रख सकते हैं। इस तरह के प्लांटर में फ्रेंड वैसे इंडोर प्लांट लगाने चाहिए, क्योंकि आउटडोर जो प्लांट लगाएंगे तो बाहर इनका जो कलर है वो भी फेड होने का रहेगा और इनकी जो सुंदरता है वो भी हम ऐसी जगह चाहते हैं जहाँ एंट्री होते ही घर में किसी की इन पे नज़र पड़े ताकि अपना जो गार्डन है, अपना घर है वो अच्छा लगे। तो मैंने इसको हमारे जो घर की एंट्रेंस है उसके पास में जगह दिए। देखिए इस तरीके से, ये आप देख सकते हैं। इसकी अभी मुझे उपयुक्त और जगह कोई लगी नहीं है, फिर भी मैं देखूंगी, एक दो दिन में मुझे समझ में आ जाएगा कि इसको कहाँ अपने को रखना है। अभी हाल फिलहाल मैंने इसको अपने बिल्कुल फ्रंट में जो स्टेयर्स होती है उन पर रखा है ताकि घर में घुसते ही जो गार्डन में घुसते ही जो लुक आता है ना, सबसे पहले इस तरह के अगर कोई प्लांटर दिखे तो मन ऐसे खुश सा हो जाता है और अपना गार्डन जो है वो भी बहुत ही क्यूट लगता है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह के जो प्लांटर हैं उनको अपने घर में जगह दीजिए, अपने गार्डन की शोभा बढ़ाइए। मैंने पोर्च में एक छोटा सा गार्डन बना रखा है, उसमें इस तरीके के प्लांटर रखते तो घर में घुसते ही पहली नज़र इन पे ही जाती है, तो ऐसे मन को बहुत अच्छा सा लगता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड।